वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 के विषय संस्कृत का गृह कार्य, जो कि दिनांक 15 सितंबर 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य में टोटल 5 क्वेश्चन है, हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते। यहाँ आंसर लिखेंगे, परमम आरोग्यम व्यायामात उपजायते। परम जो आगे की आरोग्य का जो सुख होता है वो किससे प्राप्त होता है? व्यायाम करने से। सेकेंड क्वेश्चन है, व्यायामा शरीरे किम किम भवति। यहाँ आंसर लिखेंगे, व्यायामा शरीरोपचय कांति गार्तानाम सुविभक्ता दीप्ताग्नि त्वम नालस्य स्थिरत्वम लाघवम मजा। थर्ड क्वेश्चन है, व्यायामेन केशाम केशाम सहिष्णुता शरीरे उपजायते। यहाँ आंसर लिखेंगे, श्रम कलमपि पाशानन शीतादिनाम। फोर्थ क्वेश्चन है, वृद्धि इत्यर्थे द्वितीय श्लोके किम पदम प्रयुक्ते। यहाँ आंसर लिखेंगे, वृद्धि पद का जो द्वितीय श्लोक में पद प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा पद युक्त हुआ है? तो यहाँ द्वितीय श्लोक में जो वृद्धि के लिए पद युक्त हुआ है वो है उपचय, शरीरोपचय, शरीर प्लस उपचय। तो यहाँ उपचय जो है वो वृद्धि पद को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, समास विग्रहम लिख शरीरोपचय अनालस्यम। यहाँ समास विग्रह होगा शरीरोपचय का, शरीरस्य उपचय है, जो कि षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है अनालस्यम, जिसका समास विग्रह होगा ने आलस्यम। यह ने तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इस तरह से हमने देखा कक्षा 10 के विषय संस्कृत का गृह कार्य। हम इसी तरह अन्य सब्जेक्ट्स, अन्य क्लासेस के गृह कार्य भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।